हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक्टिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान क्या है इस पर्सन की सोच, क्या है इस पर्सन का हाल, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पर्सन की सोच नहीं है ऐसा, उनका कोई हाल नहीं है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, बेकार के कर्मास आपको नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि नो कॉन्टेक्ट में क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi tarot deck 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, क्या है व्यूअर्स के पर्सन की स्नो कॉन्टेक्ट में करंट एनर्जीज, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्ट, द लवर्स, रिबर्थ, टेन ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी एट ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज हैं वो है आपकी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, उसके अलग ही टॉरस की, ये जमनाई की और ये आपकी हो गई स्कॉर्पियो की एनर्जी। ठीक है, अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे क्लैरिफिकेशंस के लिए, तो वापस से डिस्कस करा जाएगा कि और कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में दिखाई दे रहे हो, एज एन कि आप लोग या तो एक सोल के दो पार्ट हो, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है आप सोल लेवल के फ्रेंड्स हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये यही का नहीं है, आप लोग सोल लेवल पर काफ़ी जन्मों से एक दूसरे के साथ रहे हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही है। सवाल है कि नो कॉन्टेक्ट में इस पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है। देखो, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली है कि भले आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो और भले इसके पीछे की वजह कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन सभी सूरतों में ये पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं विद दिस एट ऑफ वैंड्स कार्ड। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी तरह का अपना मैसेज आप तक सेंड करना चाह रहे हैं, कोई बात आपको समझाना चाह रहे हैं। एज एन किस एनर्जी में है, किस हाल में है, किन सूरतों में इन्होंने इस सिचुएशन को ज़्यादा तूल दी, ज़्यादा तवज्जो दी, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि क्या आपसे ये कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज ये आपको सेंड करना चाह रहे हैं, जो पूरी तरह से ये क्लियर कर रहा है कि ये डेफिनेटली किसी तरह का मैसेज आप तक सेंड करना चाह रहे हैं। तो हैंड टू हैंड सब चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, जो जो मुझे यहाँ पर दिखता रहेगा उन सवालों का जवाब हाथ के हाथ क्लियर करते रहेंगे और रीडिंग को देखते रहेंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन किस तरह का मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो देखो ये है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी।
नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो बेसिकली देखो, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से क्यों गए, आपको अकेला छोड़कर, आपको ऐसे कोल्ड में छोड़कर ये आपकी ज़िंदगी से क्यों गए, तो ये पर्सन आपको वो वजह बताना चाह रहे हैं कि क्या रीज़न था इनका आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का, या क्या रीज़न है इनका आपसे ना बात करने का। तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली जो आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आई है ना, वो मैसेज आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इनके दूर जाने के पीछे की वजह दिख रही है कि ये पर्सन ना यहाँ पर जंजीरों में बांधे गए हैं। ये पर्सन किसी तरह से जैसे आपसे दूर करे गए हो, ये चाहते नहीं थे लेकिन इन्हें ना जंजीरों में बांधा गया है। फिर ये जंजीरें किसी भी नाम की हो सकती है, जैसे कि ट्रेडिशंस के नाम की ये जंजीरें हो सकती हैं, या पेरेंट्स की तरफ से ये जंजीरें बांधी गई हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनकी तरफ से ये जंजीरें बांधी गई हैं कि भाई तुम ऑलरेडी मैरिड हो तो तुम किसी और रिलेशनशिप के बारे में कैसे सोच सकते हो। या फिर अगर आपके पर्सन किसी और रोमांटिक पर्सन के साथ हैं, चाहे फिर वो इनका कोई फ्रेंड के रूप में ही क्यों ना हो, तो उसने किसी तरह से आपके पर्सन के मन में कुछ ऐसी बात डाली है जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन के गले में जैसे जंजीरें डाली गई हों, इन्हें स्टक करा गया हो। तो यहाँ पर ये है, तो ये पर्सन डेफिनेटली करंट में आपको वो वजह बताना चाह रहे हैं कि किस वजह की वजह से आपसे दूर गए, और एक वक्त पे इन्होंने ही उसे ज़्यादा तूल भी दी, एज इन कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे, बहुत लॉयल रहे, बहुत ज़्यादा उसे अपना माना, उसे एज अ प्रायोरिटी इन्होंने माना। तो ये सब चीज़ें ये पर्सन आपको क्लियर करना चाहते हैं करंट में, तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मैंने बोली, बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है, जैसे आपको कुछ समझाना चाह रहे हो, कोई बात आपसे कहना चाह रहे हो। विद दिस 7 of Cups कार्ड यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ना, वो चीज़ें, वो सिचुएशन इस पर्सन को काफ़ी निराश और हताश कर रही है। वो सिचुएशन इन्हें आपके साथ जो भी प्यार भरे पल थे, जो भी अच्छे पल थे ना, उन पलों की बहुत ज़्यादा याद दिला रही है, लेकिन इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये यादें सिर्फ मेरी इमेजिनेशंस हैं, या फिर बस ये यादें ही हैं, इसमें आप नहीं हो, आप इनमें शामिल नहीं हो। तो वो चीज़ें भी करंट में इस पर्सन के मन में चल रही हैं। साथ में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, ये पर्सन ना एक वक्त पे भटक गए थे, इनके दिमाग में ये चीज़ें थी कि आपके सिवा भी इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इन्हें पूरा करना है, जिन्हें इन्हें अचीव करना है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि भ्रम की दुनिया में, इमेजिनेशंस की दुनिया में इस पर्सन ने अपने आप को भेज दिया, आपको इग्नोर करके, ठीक है, जैसे जो मैंने वजह बताई उनकी तरफ ही ये क्यों ना बढ़े हों। और अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि बिना आपके, जिसे इन्होंने दरकिनार करा, साइड में करा, उसके बिना ये इमेजिनेशंस कुछ भी नहीं है, या ये एक्चुअली में मेरी बस इमेजिनेशंस है, मेरा भ्रम है, उसके अलग ही कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये चीज़ें इन्हें आपके साथ रहने पर मिलती, जिसके पीछे ये भागे, तो उस तरह की चीज़ें अब इस पर्सन के मन में स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान हद से ज़्यादा चलती हैं। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस करते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं, उसे खाने का वक्त ही इन्हें नहीं मिलता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो करंट में ये पर्सन ना ये समझ रहे हैं कि भ्रम भ्रम ही होता है और रियलिटी रियलिटी होती है, और रियलिटी कहाँ पे थी, आपके साथ थी। विद इज़ द हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि करंट में जो भी आप लोगों के बीच में वजह है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है वो है आपके ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराएं, स्टेटस, एक का मैरिड होना, एक का अनमैरिड होना, तो डिफरेंसेस, ठीक है, आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, ये सबसे ज़्यादा मुझे वजह दिख रही है आप दोनों के बीच के दूरियों की, यस, नो कॉन्टेक्ट की। और ये पर्सन करंट में ना उस वजह को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह की वजह से ही ना मैं सब कुछ खो बैठा या सब कुछ खो बैठी, डिफरेंसेस की वजह से ही मैंने सब अपनी ज़िंदगी से गवा दिया। और अब इस पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि भाड़ में जाए ये चीज़ें, भाड़ में जाए ये सब
ट्रेडिशंस, कास्ट परंपराएं, ये सब चीज़ें, जैसे कि अब इस पर्सन का इन चीज़ों को मानने का भी मन ना कर रहा हो, भले उस वक्त पे ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर डिवोटेड हुए, तभी तो ये जंजीर में आसानी से बंध गए, लेकिन अब करंट में इस पर्सन को इन्हीं चीज़ों पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो ये भी काफ़ी क्लियरली है। आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता था आप लोगों के बीच का, चाहे दोस्ती थी, जस्ट चिट चैट करना चाह रहे थे आप, या इस कनेक्शन को नाम देना चाह रहे थे, उस कनेक्शन के बारे में भी डेफिनेटली ये पर्सन करंट में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। उस कनेक्शन में आए क्लोजनेस को, जितने भी आप क्लोज आ गए थे, जितने भी क्लोज आकर आपने एक दूसरे से बातचीत करी थी, जितने आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन हो गए थे, तो वो सब चीज़ें इन्हें करंट में याद आ रही हैं। एज एन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ रहकर ना इनका कुछ भी दिल नहीं करता था ये अपने आप से छुपाए, कि ये आपसे वो बातें छुपाए। एकदम आप लोग ना एक दूसरे के सामने काफ़ी ओपन हो गए थे, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और वही ओपननेस इस पर्सन को करंट में याद आ रही है, और वही चीज़ें इस पर्सन को इस कनेक्शन को वापस से नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए या इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उकसा रही है, या उसे देखने के लिए इनका मन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन देखना चाह रहे हैं कि कैसे ये रिश्ता ग्रो होगा, कैसे ये रिश्ता नए सिरे से स्टार्ट हो, कैसे ये सब खुशियाँ इनके हिस्से आए, तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा करंट में चल रही हैं, जैसे झांक झांक कर देख रहे हो, क्या कोई अच्छी खबर मिली, क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ अच्छा हो सकता है क्या, तो वो चीज़ें करंट में इनके मन में चल रही हैं। बट थिंग इज विद दिस टेन ऑफ वैंड्स कार्ड नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी अच्छी खबर इन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ भी अच्छा इनके साथ नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा इस कनेक्शन के साथ नहीं हो रहा है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन बस स्ट्रेस ले रहे हैं, बस बर्डन ढोते हुए या स्ट्रेस का बर्डन ढोते हुए अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, घसीट रहे हैं। ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट है, भले आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी को बस ढो ही रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं करंट में क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स इस नो कॉन्टेक्ट में। द लवर्स फिर से आया है, नंबर 6, यानी कि जून मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स करंट में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, गाइड टीचर बताइए। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 6 यानी कि जून मंथ, एंड आपका है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी, अगेन द हैरल्ड। नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत इमेच्योर हैं, एक इमेच्योरिटी इस पर्सन की साइड से दिख रही है। फीलिंग्स वाइज ये इमेच्योरिटी नहीं है, एक्शंस वाइज इस पर्सन के अंदर हद से ज़्यादा इमेच्योरिटी है, या डिसीजंस लेने के मामले में ये पर्सन डेफिनेटली इमेच्योरिटी दिखा देते हैं, गलत डिसीज़न ले लेते हैं, गलत लोगों का साथ दे देते हैं, गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या जब कोई फैसला लेना होता है तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और नहीं तो कुछ, तो ये यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि अब ये पर्सन इस चीज़ में फ़र्क करना जान गए हैं, क्या इमेजिनेशंस है और क्या सच्चाई है, जो ये पहले नहीं कर पा रहे थे। विद दिस द लवर्स कार्ड, यानी कि प्यार आप ही हो, खुशियाँ आप ही हो, साथ आप ही का है, सारा जो भी इन्हें मिलना है वो आप ही से मिलना है, और ये जो अदर ऑप्शंस के पीछे, अदर लोगों के पीछे भाग रहे थे, वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशंस थी, तो इस चीज़ का फ़र्क करना ये पर्सन समझ गए हैं। और इवन यहाँ पर ये भी समझ गए हैं कि ट्रेडिशंस, कास्ट डिफरेंसेस, ये इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है इंसान की नीयत, इंसान का प्यार, इंसान की सच्चाई, इंसान की लॉयलिटी,
तो वो चीजों में फर्क करना ये पर्सन जान गए, जैसे कि ये पर्सन समझ गए हो कि प्यार प्यार ही है, ठीक है, उसके अलग तुम कितनी भी चीजें इन्हें दे दो ना, वो इन्हें अब वो चीजें शुरू में 4 दिन 5 दिन 6 महीना साल भर खुशियां दे देंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपका रुझान ना प्यार की तरफ, फीलिंग्स की तरफ ही झुकेगा, आप वही अपनी जिंदगी में वापस से लेकर आना चाहोगे। तो उस चीज का फर्क करना ये पर्सन करंट में जान रहे हैं। और यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जो कंफ्यूज्ड थे ना एक वक्त पे आपके प्यार को लेकर, वो कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन से हट गया है, ठीक है। यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली है कि इस पर्सन को अब नो कांटेक्ट में इतना भी समझ में आ गया है कि मैंने जो इन्वेस्ट करा था, मैंने जो दिया था वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुँचा है। यानी कि जिस भी पर्सन के लिए ये डिवोटेड रहे हैं ना पास्ट में, या जिसको भी इन्होंने प्रायोरिटी दी है पास्ट में, वो सब चीज़ों के मामले में ये क्लियरिटी ने हो गई है कि गलत जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि डेफिनेटली स्ट्रेस तो अब इन्हें लेना ही है, मन में इच्छा है बात करने की, लेकिन बस जलकर एग्रेसिव होकर ही बस इस फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, ठीक है। चलिए देखते हैं कि रिसेंटली इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई एक्शन आता है या नहीं, इन सब चीज़ों के बाद कोई कम्युनिकेशन आता है या नहीं व्यूअर्स के पर्सन की साइड से, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस हैं, ठीक है, यानी कि आपके परिवार और इनके परिवार के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या फिर फाइनेंशियली लेवल पे यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। और यही चीज़ें इस पर्सन को पास्ट में भी कंफ्यूज करके गई, पास्ट में भी दूर जाने का फैसला लेकर गई, और करंट में इनके साथ ये हो रहा है, या रिसेंटली भी इनके साथ ये हो रहा है कि ये वेट तो कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। जब जब एक्शंस लेने की बारी आती है तो जैसे कि इनके कदम रुक रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर मुझे रिसेंटली देखो नहीं आता हुआ इस पर्सन की साइड से एक्शंस दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ एक और कार्ड, स्ट्रेंथ। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर ना वो स्ट्रेंथ नहीं चल पा रही है कि ये अपने लिए, अपने हक के लिए कोई फैसला ले सके, कोई डिसीजन ले सके, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रेंथ इनकी इन्होंने किसी और को दे दी, किसी और को इन्होंने कुर्बान कर दी है, तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। मतलब स्ट्रेंथ एज इन की एक कॉन्फिडेंस की कमी इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली है, जो इन्हें वेट करने के लिए तो उकसा रहा है लेकिन इन्हें एक्शंस करने के लिए रोक भी रहा है। आराम से बैठे हुए हैं देखो ये यहाँ पे, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। ऊपर से यहाँ पे इसको, इनको बहुत ज़्यादा जंजीरों में बांध रखा है, अपने ही रीति रिवाज, अपने ही मन की बातों में उलझा रखा है, तो ये भी यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो रिसेंटली तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं दिख रहा इस पर्सन की साइड से आपकी तरफ कोई एक्शंस आएगा। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ, कहना क्या चाहते हैं आपसे, और क्योंकि ये बेसिकली क्लियरिटी तो देना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये काफ़ी क्लियर पता चला। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। देखो आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, तो सबसे पहले तो यही कॉन्फिडेंस इनका डाउन होता हुआ दिख रहा है, यही पर स्ट्रेंथ इनकी मरती हुई दिख रही है कि ये डर रहे हैं रिजेक्शन से, ठीक है। चाहे फिर वो रिजेक्शन आपकी तरफ से हो या फिर इनके परिवार वाले रिजेक्ट कर दें कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो ये सब चीज़ें। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ट्राई कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। तो देखो आई लाइक यू, आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अभी भी पसंद करते हैं। आई एम अ बिग मैस, समझ रहे हैं गलती किसकी है, क्या गलती करी, क्या गलती दोहरा रहे हैं, वो सब चीज़ें समझ रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो डेफिनेटली देखो शादी आपसे करना चाह रहे हैं, या मैरिड हो तो मैरिज लाइफ को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाह रहे हैं।
यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, कहना चाहते हैं आपसे कि आज भी इनकी जो सांसें हैं ना वो आप ही पर आकर रुकती हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, यानी कि डेफिनेटली देखो चाहते यही हैं कि आप दोनों के बीच के जो कनेक्शन में इश्यूज चल रहे हैं वो ये सही कर दें, ठीक है, या वो सही हो जाएं, ये यही चाहते हैं, ऐसा ये आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आप लोगों के बीच के कनेक्शन के बारे में वो और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, एंजल्स के मैसेजेस दीजिए। ट्रस्ट, इट्स अप टू यू, आस्क योर एंजल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिमेन पॉजिटिव। तो देखो एंजल्स या डिवाइन आपके खुदा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि देखो अगर आपको इस कनेक्शन पे भरोसा है कि आप इस कनेक्शन में मिलकर रहोगे तो आपकी वो भरोसे की जीत होगी, उस भरोसे में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और एंजल्स इस चीज़ में आपका डेफिनेटली साथ देंगी। लेकिन ये आपके ऊपर एंजल्स ने छोड़ दिया है कि भाई अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं तो फिर एंजल्स भी उसमें आपका साथ नहीं दे पाएंगी। तो यहाँ पर एंजल्स ने, डिवाइन ने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। जिस चीज़ पे भरोसा रख पा रहे हो, जिस चीज़ के लिए पॉजिटिव रह पा रहे हो वो आपको दिया जाएगा, वो आपके मांगने पर आपको डेफिनेटली दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको इस चीज़ पर भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली उस चीज़ को बोलना नहीं, ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल फिर से पलटी मान ली, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा आपसे एंजल्स बोल रही हैं, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट में ये है इस पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इनकी ये है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हो तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।